वेलकम 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 वेलकम। क्लैपिंग करो सारे। मैं यहाँ से देख रही हूँ बारात नीचे पहुंच चुके हो, ये इतनी ज्यादा उतावली हो रही है, बाप रे बाप। दिल लगा के रखना, डोली सजा के रखना। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 6 बजे से, और अभी आज के ब्लॉग में आप लोगों को हमारे जीजू दिखने वाले हैं, उप्रेती जीजू। बस थोड़ी देर में वो पहुँचने ही वाले हैं, और अभी ब्राइड रेडी हो रही है, मतलब रेडी तो बस हो ही चुकी है, थोड़ा बहुत रह गया है, और हम लोग भी रेडी हो गए हैं। यहाँ पर भाभी का लुक देखो भाई, क्या सुंदर लग रही है हमारी भाभी। बेइज्जती नहीं, सही में भाभी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। भाभी एक बार मेरा भी दिखा दो ड्रेस। ओ टीटी, ये देखो, ये है उनका। जरूर बताना कैसे लग रहे हैं, आउटफिट ऑफ द डे। और बोले ना, वोल्यूम में सच बता रही हूँ, बहुत क्यूट लग रही है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे देखो, पूरा पिटारा खुला हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा शिवम ब्रदर। प्रणाम, पीछे से प्रणाम। ये हमारा भाई, प्रणाम सभी को, कैसे हैं सब? तो देखो कितनी प्यारी लग रही है आज, तुम्हें बहुत सुंदर लग रहा है यार सही में। और सही में शिवम का नेचर ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जज किया इसको, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू वेरी मच। अब पीछे भाभी को देखो कितनी प्यारी लग रही है। भाभी का आउटफिट भी दिखा दो, भाभी इधर आओ, इधर साइड। नहीं, हम देवर भाभी का दिखाओ ना पहले। भाभी पहले, ये मैचिंग मैचिंग हो रहे दोनों। यहाँ देखो, हम दोनों बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं। तुम्हारी सलाह तो नहीं हो रखी थी? मेरे को बता देते यार, मैं भी सेम सेम लेके आती हूँ। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत हो गया। आपका थोड़ा लाइट हो गया, मेरा थोड़ा डार्क हो गया, मेरा लेवेंडर कलर में हो गया। और बाकी यहाँ से देखो बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है। और हम अभी कौन से लोकेशन पे सीखो? अभी हम भानेवाला में हैं, तो यहाँ से तो ऋषिकेश 20 किलोमीटर दूर है केवल। हाँ, तो हम इतने पास आ गए हैं ऋषिकेश के, देहरादून से हमें थोड़ा दूर पड़ा, आधा घंटा लग गया होगा हमें यहाँ पहुँचने पे। तो कमेंट करके जरूर बताना हम दोनों भाई बहन कैसे लग रहे हैं। ये तो बहुत प्यारी लग रही है भाई, सभी सुंदर लग रहा है। तो थोड़ी देर में आप लोगों को मिलाएंगे उप्रेती जीजू से, उनकी एंट्री होगी जब, फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पे वेलकम करने के लिए, फिर आप लोगों को भी उनसे मिलाएंगे। दुल्हन तो रेडी हो चुकी, लेकिन दुल्हन की मम्मी यहाँ पे रेडी हो रही हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। ये देख लो भाई, खाली ना बोले यार। अरे खाली नहीं बोल रहे, सही में। ये साड़ी तो वैसे भी आप पे बहुत सुंदर लगती है। एकदम सूट लगती है अच्छी। बोलो क्या बोल रहे हो? ये कलर, ये कलर में ना चेहरे पर खिल रहा है, सही में खिल रहा है बिल्कुल। क्या खिलना यार बुढ़ापे में, लेकिन आप सबसे जवान लग रहे हो सही में। कौन बोलेगा आप सासू जी बन गए, दो जवाई हो गया, तीसरे जवाई भी। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे सारी गर्ल्स रेडी हो चुकी हैं, और अंजलि देखो अभी तक भी रेडी नहीं हुई, वही शीशे पे ही देख रही है। तो जरूर बताना कमेंट करके सब कैसे लग रहे हैं। अंजलि यहाँ पे है, हमारी बबली दीदी यहाँ पे, तो ये इसको तो जानते ही होंगे यार, आज बहुत भाव खा रही है, बात भी नहीं कर रही अच्छे से, ये तो परिचय के मोहताज नहीं है। हाँ, और आज के दिन स्पेशल यहाँ पे है कामनी, और यहाँ पे आंटी जी। दादी को भी दिखा दो भाई, दादी भी बहुत सुंदर लग रही है। और यहाँ पे बॉयज को भी दिखा दो भाई, सब लोग एकदम रेडी हो चुके हैं, और सब रेडी हो चुके हैं अभी, बस यहाँ पे अंकल जी नहीं है और बच्चा पार्टी नहीं है, उनसे भी मिला रहे हैं थोड़ी देर में। बच्चे भी एकदम मस्त लग रहे हैं भाई। से तो आप लोगों को मिला दिया था, लेकिन यहाँ पे अंकल जी से आपको नहीं मिलाया था, और कैसा लग रहा है आपको? माल पानी लेके घूम रहे हैं। हाँ, आज इस थैले को छोड़ेंगे नहीं है। माल पानी जी नहीं नहीं। और बताओ कैसे लग रही है आपकी लड़की आज? रुक जा, इधर देख कैसे लग रही है। मैंने कहा अच्छा लगा, मेकअप अच्छा लगा आपको? अच्छा नहीं है लहंगा, अच्छा नहीं है। कौन बोल रहा है? अरे पापा लोगों को थोड़ा चटक कलर सही लगता है ना, मेरे पापा लोग भी ऐसी है, मतलब बिल्कुल चटक होना चाहिए इसकी तरह। हम लोगों के लिए यहाँ पे गर्ल्स टीम की तरफ से एक छोटा सा प्रयास गाने का, चलो भाई अचानक हो जाओ, अचानक। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आएंगे तेरे सजना लेने तुझे उगोरी, लेने तुझे उगोरी, आएंगे तेरे सजना। हाँ भाई, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है इसको, अभी भी ऐसा हो रहा है कि अच्छी नहीं लग रही, मेकअप बहुत अच्छी लग रही है। मेकअप को थोड़ा एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है ना, तो इसलिए इसको ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा थोप दिया है। और बाकी इसको देख के ना मुझे घुटन जैसी हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है हमें आदत नहीं है ना ये सब मेकअप ये सब की, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगले महीने मेरे साथ भी कुछ
यही सब होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी खुद को प्रिपेयर करके रखूंगी। अब मैं खुली रहूंगी बिल्कुल इसकी उसमें, जैसे मैं रह रही हूँ लेकिन बंधा नहीं है एक तरफ से भाई, इतने सब चीजें नेल्स वगैरह बहुत आफत है यार। आज इन सब के साथ मतलब कैमरे के सामने डील होने वाली है, क्योंकि तुझे पता है मैं तेरे कितने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स ले रही हूँ। अगर मेरी एंगेजमेंट के दिन कुछ भी गड़बड़ हुई बेटा देख लेना, तू भी देख ले और तू भी यहाँ से देखो। अभी इसका शॉर्ट्स मैं ज्यादा दे रही हूँ क्योंकि लाइट भी काफी अच्छी आ रही है और यहाँ से भी काफी अच्छा आ रहा है बाहर देखो। बहन अगर उस दिन कुछ गड़बड़ हुई ना देख लेना फिर। बारात नीचे पहुंच चुके हो, ये इतनी ज्यादा उतावली हो रही है, बाप रे बाप, बहन तेरा ही है बस पहुँचने ही वाले है वो आगे। बहन नीचे मत गिरना, नीचे मत गिरना, आराम से जाओ, जल्दी जाओ। अभी बारात नीचे रोड पे पहुंच चुकी है और हम लोग जा रहे हैं वेलकम करने के लिए। मोनिका तो रूम में ही है, वो बाद में आएगी जब सब लोग ऊपर चले जाएंगे। चलो भाई तुम भीतर कौन आ रहे, एक इन भैर मैं से चलो 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 चलो। ये कहाँ गई लेडीज पार्टी सारी, सारे बाराती यहाँ पे पहुँच चुके हैं ये देखो, और यहाँ पे फोटो शूट चल रहे हैं, हम लोग आ रखे हैं वेलकम करने के लिए। वेलकम 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 वेलकम। अभी हम लोग आ रखे थे ऊपर हॉल में और पीछे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह की डेकोरेशन हो रखी है, और यहाँ पे हमारे जीजू भी पहुँच चुके हैं। जीजू से आप लोगों को अच्छे से मिलाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे ना म्यूज़िक लगा हुआ है और म्यूज़िक में फिर कॉपीराइट का वो होता है इश्यू होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोनिका को लेने के लिए, क्योंकि जीजू कब से भाई साहब उपरेती जी ने दिमाग ऐसा कर दिया, तब से वहाँ पे बोल रहे कि लेके आओ लेके आओ लेके आओ मोनिका को। अभी हम लोग दुल्हन के आगे आगे चल रहे हैं, देखो कुछ लोग आगे कुछ लोग पीछे, तो इसको लेके जा रहे हैं हम ऊपर हॉल में जीजू से मिलाने के लिए। जीजू कैसे लग रहे हैं? बहुत जबरदस्त लग रहे हैं और दोनों साथ में बड़े मस्त लगेंगे, अभी दिखाएंगे आप लोगों को। जीजू तो कब से बोल रहे हैं भाई लेके आ मोनिका को, लेके आ लेके आ, जब से मैं वहाँ पे बैठी हूँ। मोनिका कहाँ है, अकेले हो? अकेले हो, शर्म आ रही है। अरे कोई बात नहीं, सुन तू वहाँ से, तो अंदर से देखिए भूख लगने लग चुकी है तो हम लोग खा रहे हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी है तो सबसे पहले हम लोग खाने पे टूट पड़े हैं। ब्लॉग ब्लॉग बनता रहेगा, एंगेजमेंट होती रहेगी, सबसे पहले है पेट पूजा। पेट पूजा भाई सबसे पहले पेट पूजा है, और सबके लिए आए हम खाने को। कैसा हो रहा भाभी, भूख मतलब वाले हो रहे हैं, पहले पेट पूजा करते हैं उसके बाद वीडियोज बनाएंगे। हम लोग बस यहाँ पे बैठे हैं खाने के लिए और हमारा भाई हमारे लाने पे लगा हुआ, ये देख लो भाई खाओ यार, खाते जाओ खाते जाओ। अब आपको वीडियो में देखो, अता बोल रही कि मैं फोर्थ में पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? यूकेजी। यूकेजी में? और 6 साल को, ये बोली 3 साल को। कितने साल की? मैं 6 साल की। नाम क्या है आपका? तू बता। याद ये आपकी फ्रेंड बन गई? क्या नाम है उनका, आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? फ्रेंड का नाम ही भूल गए। मैं इसका नाम भूल गई। आपका नाम क्या है? सिविका राधा। नहीं सुनो, आपकी मामी कैसी है? अच्छी। सुंदर है? गंदी है यार वो तो। अच्छी है। सब लोग कमेंट कर रहे हैं। मामी को भी। मामी को बोलो मामी बहुत गंदी लग रही है, जा बोल के आओ, भागो भागो भागो। बोल के आगे क्या बोला आपने? मैंने बोला आप जो है ना आप गंदा बोली, मैं अच्छा बोली। हाँ आप बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट हो आप। थैंक यू बोलो। थैंक यू बोल। थैंक यू। अभी यहाँ पे पूजा स्टार्ट होगी है इसलिए डीजे बंद हो रखा है, इसलिए हमको भी मौका मिल रहा है व्लॉग बनाने का, नहीं तो पीछे से गाने इतने ज़्यादा बज रहे हैं। तो अभी जब पूजा हो जाएगी उसके बाद रिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डांस करेंगे, अगर 10 बजे से पहले सब चीज़ निपट गया तो, क्योंकि 10 बजे बाद शहरों में डीजे अलाउड नहीं होता है। फिर क्या होगा दीदी हमारे डांस का? वही तो डांस। अरे नहीं, उसके बाद हम पूरी रात में डांस ही डांस करेंगे, जब सुबह होगी तब चलेंगे। कैसे करेंगे? फिर फिरकेंगे, फिर खाना खाने के, फिर पता क्या करेंगे, सब हेडफोन लगाएंगे और एक ही गाना बजाएंगे, तब नाचेंगे सब। ये हो सकता है, ऐसे नहीं क्या करेंगे यार डांस का? वही तो मैं कह रही हूं, 10 कितना हो रहा टाइम? ये पता ले लाओ, बाप रे, उनको बोलो आधे घंटे में निपटाओ जल्दी जल्दी, डांस आधे घंटे से पहले।
हाँ आधे घंटे से पहले वही तो यार शहरों में यही दिक्कत है 10 बजे से पहले पहले मतलब डीजे बंद हो जाता है और गाँव में तो भाई 2-3 बजे तक डीजे लगा रहता है। मेरी सगाई में देखना आप लोग, हाँ मेरी सगाई में देखना, मतलब गाँव में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, यहाँ पे तो ये है कि 10 बजे बाद डीजे नहीं बज सकता है आपकी चलेगी वहाँ। और यहाँ पे देखो पूजा हो रही है इसीलिए डीजे बंद हो पाए हैं और यहाँ पे सब मेहमान लोग बैठे हुए हैं। अभी हमारा खाना भी नहीं हुआ है, जब रिंग सेरेमनी वगैरह हो जाएगी फिर सब लोग मिलके खाना खाएंगे। अभी यहाँ पे रिंग सेरेमनी की तैयारी चल रही है और बाप रे तब से फोटो शूट में यहाँ पे देखो कितना टाइम लग रहा है। मोनिका को देखो तो मुझे सर दर्द होने लग गया, यही सब मेरे साथ होने वाला है 1 महीने बाद। आप आती नहीं है एक तरफ से, फोटो शूट अलग हो गया, मेकअप ये ताम झाम अलग, इतना जो हैवी पहनना है। हाँ इसी की वजह से ज्यादा वो हो रहा है, हमें तो इतने नॉर्मल कपड़ों में हो रहा है। हाँ भाई तो एंगेजमेंट ड्रेस में तो और भी ज्यादा। यहाँ पे देखो इनका फोटो की तरफ देखो, इतने सारे कैमरा मैन लगे हुए हैं, वीडियोग्राफी वाले अलग और कैमरा मैन अलग। स्माइल स्माइल वेट 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 हाथ ऐसे रखना, थोड़ा रिंग और क्लोज करो, बस ऐसे रखना। वेट 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 शिमिका को देख, हिलाओ मत हाथ से, हिलाओ। स्माइल अब बड़ी वाली आ गई। क्लैपिंग करो सारे। ये एक मिनट आप जिनको पूछ ले इंट्रो करो भैया, इंट्रो करो। कांग्रेचुलेशंस। ये बहन कब से भूखी थी, खतर कुछ आएगी आज की संगीतमय महफिल में तहो दिल से इस्तकबाल करता है और स्वागत करता है और आए हुए सभी मेहमानों से गुजारिश है कि जो भी मेहमान भोजन के इच्छुक हैं तो आप प्लीज भोजन के तशरीफ ले जाएं, गर्म गर्म भोजन आपकी नंदन आज की संगीतमय महफिल में तहो दिल से इस्तकबाल करता है और स्वागत करता है और आए हुए सभी मेहमान। बधाई हो मिसेज उप्रेती। ओए मिसेज उप्रेती सुन नहीं रही वो अभी, भाव खा रही है, भाव खा रही। मिसेज उप्रेती बधाई हो, मैंने कहा मिस्टर उप्रेती जी को भी। खाना कितना सही बात है, फटाफट हर घंटे में बिल्कुल।
जैसे हम लोग खाना खाने लगे वैसे यहाँ पे कपल डांस होने लग गया था, और हमने खाना वहीं पे छोड़ा इसकी वीडियो बनाने के लिए, और अब खुद खाना खाने चले गए, हमारा खाना वहीं छोड़ा, हमारा खाना वहीं छोड़ा। अम्मा ने भी नहीं कर रहा क्योंकि आधा अधूरा खाना खाया, अम्मा ने कहा कर रहा ना, अजीब सा हो गया। मैं बोलूँ जो मोनिका ये सगाई में भरपेट खाना खाना बट लगी टोक सीधे यहाँ कपल एक ही वो था नहीं, हाँ कपल डांस होने लग गया था, सीधे हम भागते भागते आए, हमने कहा इसकी वीडियो बना देते, एक बार हमने प्लेट वहीं पे रखी, उसके बाद सीधे वीडियो बनाने के लिए आगे, खाना भी नहीं खाया, मन ही नहीं कर रहा। हम यहाँ पे अंदर मैं सारा रिकॉर्ड करूंगी अपनी सगाई में, अगर तुमने मेरी वीडियोस नहीं बनाई अच्छे से मुझे कैप्चर नहीं किया, या तुम खाना खाने वाला यार चोर चोरी नहीं दी तुम, वही तो टेंट ऑफिशन ले लेते हैं, शर्ट शर्ट खा पैंट पैंट है टेंट के पीछे, मैंने कहा नहीं नहीं भरपूर खाना मिल देंगे तुझे घड़ी घड़ी, और 5 मिनट में पहले पेट पूजा तब काम दूजा। हाँ ठीक है भाई, तो टेंशन मत ले, तो अभी से मत कर टेंशन, अभी एकदम एक महीना है, टेंशन करूंगी क्या पता तब सूख जाऊंगी। नहीं नहीं फिट हो रही, बिल्कुल फिट हो रही है मोनिका। अरे कहाँ यार, नहीं नहीं अभी प्रोसेस में हो, आप लोग कमेंट करना। नहीं नहीं है, मुझे तो बहुत पतली लग रही है, मैंने सामने देखा बहुत पतली लग रही है, कभी होती ही नहीं, पता नहीं कोशिश मैं पूरी करती हूँ बट क्या करे, होती है भाई पतला होने का जो हो गई है पता नहीं क्या, भाभी तो इतनी तारीफ इतना केयरिंग ब्रदर कहाँ मिलेगा यार हमको, कसम से मानना पड़ेगा यार, थैंक यू सो मच शुभम, शुभम नहीं शिवम, शिवम यार शुभम, आज दो दो शुभम हो गए ना, शुभम शिवम सब इकट्ठा हो गए, शुभम हमारे उपरेती जी जो है तो इसलिए शिवम शुभम सब इकट्ठा हो गया, नाम सेम ही है, हाँ लेकिन थैंक यू ब्रदर, इतना ख्याल रखता है हमारा, क्या बोले क्या बोले क्या बोले, मतलब तेरी तारीफ में कोई शब्द ही नहीं है, इतना चलता है यार, अब देखो भाभी और दीदी है तो इतना चलता है, देखो काम भाई का, छोटे भाई का काम यही होता है अपनी बहनों की सेवा करना, मम्मी ने तुमको यही सिखाया है कि ऐसे ही करते हैं, देवर का काम भी सबका काम यही निभा रहा है।